अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने एक नया बर्ड का पेड़ लिया है। और ये जो है, आपने देखे होंगे बर्ड्स, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं और इनके सर पे जो बाल होते हैं वो बिल्कुल स्पाइक्स की तरह खड़े हुए होते हैं। और इनका नाम कॉका टेल्स है। ये मैंने जो ख़रीदा है पेयर, इसमें अभी ये इतने बड़े नहीं हैं, ये थोड़ा सा जो है, ये थोड़ा बर्ड्स जो हैं ये थोड़े छोटे हैं। और बट स्टिल मैंने इनके लिए एक अलग से केज भी लाया है और उसमें दो झूले भी लगे हुए हैं। एंड आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड इनके साथ टाइम गुजारने के लिए। ये बहुत ही प्यारा बोलते हैं और जब बेसिकली ये विस्लिंग करते हैं। और अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं इनके बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके पहले ख़ुद भी देखूँ और फिर वो मैं आप तक भी पहुँचाऊँ। जहाँ तक मुझे अभी तक पता चला है, कॉकटेल्स भी जो हैं वो वही चीज़ें खाते हैं जो हमारे बजीज खाते हैं। इनको भी, इनका भी एक वही बाजरा होता है जो कि हमारे बजीज का होता है। उसके अलावा ये लोग भी ब्रेड जो है वो खाते हैं, राइस खाते हैं। मैं ब्रेड इनको भी देती हूँ और ये उसी चीज़ के ऊपर जिसमें मैं ब्रेड डाल के देती हूँ उसके ऊपर बैठे रहते हैं और वो खाते हैं। उसके अलावा ये कि इनको आपने जो है ना वो ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे वेंटिलेशन हो रही हो। मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे हवा रुकी हो, इस तरह की जगह पे इनको नहीं रखते क्योंकि इनका जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे इनके बारे में पता चली है वो ये है, आपने ट्राई करना है कि इनका केज जो है वो बड़ा हो, क्योंकि अगर ये नहीं उड़ेंगे तो इनके जो चेस्ट है उसमें फैट जो है, मतलब कि चर्बी जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, वो जमना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये बाद में लेज़ी हो जाते हैं और अनहेल्दी, ऑफ कोर्स ये अनहेल्दी हो जाते हैं। तो आपने इनका जो केज है वो बड़ा रखना है, स्पेशियस होना चाहिए ताकि ये उसमें आराम से फ्लाइट कर सकें, आराम से उड़ सकें, ठीक है। उसके अलावा ये कि अगर आपके पास एक कॉकटेल है, मतलब आपका एक कॉकटेल मतलब मर गया है या वो जो है वो उड़ गया है, कोई भी मसला हो गया है, तो आप एक कॉकटेल को बिल्कुल भी अकेले मत छोड़ें। उसके साथ कोई और आप बर्ड ले आएँ, बेशक वो बजीज हों, ये बजीज के साथ भी सर्वाइव कर लेते हैं, मतलब कि बजीज के फ्रेंड भी बन जाते हैं। और बेहतर यही है कि वैसे आप इनके साथ का इनका पेयर ही लेके आएँ, मतलब पेयर इन द सेंस कि इनको आप पेयर ही बना के रखें। लेकिन अगर फिर भी आपके पास अवेलेबल नहीं है और फिलहाल आप नहीं खरीद सकते तो आप इनको किसी और बर्ड्स के साथ रख सकते हैं। ओवरऑल ये बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारे क्रिएचर्स हैं। ज़रूर आप इनको अपने आइवरी में ऐड करें और आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे इनकी कंपनी। स्पेशली इनकी जो फेस है बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, इनकी आईज, इनके नॉस्ट्रल्स, सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।